नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्टो न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। आपने योगी आदित्यनाथ का सदन में रोते हुए वीडियो जरूर देखा होगा और इस वीडियो की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से इस वीडियो का जिक्र निकला है। जैसा कि आप जानते ही हैं, पहलवानों का धरना दिल्ली में चल रहा है, उसी धरने में शामिल होने पप्पू यादव पहुंचे थे और इसी दौरान पप्पू यादव ने योगी आदित्यनाथ के इसी वीडियो का मखौल उड़ाया था। आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा पहले, लेकिन क्या आपको इस वीडियो की सच्चाई पता है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वीडियो की सच्चाई बताएंगे, आपको बताएंगे कि क्यों योगी आदित्यनाथ सदन में फफक फफक कर रो पड़े थे। जिस नेता के नाम से आज माफिया गुंडा राज थरथर कांपता है, वो नेता इतना डरा हुआ अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रहा था? आपने ये वीडियो तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस वीडियो के पीछे की कहानी शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको आज हम बताएंगे कि आखिरकार क्या कहानी थी इस वीडियो के पीछे की और क्यों इतना दबंग नेता अपने आप को अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की शुरुआत। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 में, जब मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी और मुलायम सिंह की सरकार में ही उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर था, उस गोरखपुर में तीसरी बार लोकसभा से यहां पर योगी आदित्यनाथ सांसद चुनकर आए थे। काफी ज्यादा लोकप्रियता उनकी बढ़ने लगी थी क्योंकि वो तीसरी बार सांसद बनकर भी आए थे और काफी ज्यादा सक्रिय हो रहे थे राजनीति में। उनकी काफी जगह चर्चा होने लगी थी, लोकप्रियता भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और इसी के साथ मुलायम सरकार के खिलाफ लगातार वे ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जिससे कई लोगों के सर में दर्द होने लगा था। कई सारे मुद्दे वे ऐसे उठाते थे, बेबाकी से उठाते थे, जिन मुद्दों के बारे में लोग सोचने से भी डरते हैं। आप जानते ही होंगे कि यूपी में एक समय माफियाओं का, गुंडों का राज हुआ करता था। वहां की सरकारों ने खुली छूट दे रखी थी यहाँ के माफियाओं को, यहाँ के गुंडों को। यहाँ की आम जनता जो थी, किसी भी वर्ग की जनता हो, वो काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि सरकारें नहीं, यहाँ पर गुंडों का राज चला करता था। और कहानी उसी समय की है यूपी की। यूपी को क्या पता था कि जिस योगी आदित्यनाथ को डराया धमकाया जा रहा है, एक दिन वही योगी आदित्यनाथ यूपी का उद्धार कर देंगे और माफियाओं का राज जो है वो खत्म कर देंगे। एनकाउंटर ऐसा होगा कि एक भी माफिया नहीं बचेगा। जिन माफियाओं ने सोचा होगा कि योगी आदित्यनाथ एक छोटे से नेता हैं, जिन्हें डरा धमका कर उनसे जो है उन्हें बैठाया जा सकता है, उन्हें आगे के काम करने से रोका जा सकता है, लेकिन उन नेताओं को, उन माफियाओं को ये नहीं पता था कि आगे चल के यही नेता उनके सर में दर्द करने वाला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो घटना क्या थी जिसको याद करके सदन में योगी आदित्यनाथ फफक कर रो पड़े थे। दरअसल ये घटना है साल 2007 की, जब यूपी के गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी और इसी हिंसा के बाद गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ गोरखपुर जेल में उन्हें 11 दिनों तक रखा गया था, यानी कि 11 दिनों तक योगी आदित्यनाथ की कोई सुनवाई नहीं हुई थी और उनको मानसिक तौर पर यहाँ पर प्रताड़ित किया गया था। तीन बार से सांसद चुने गए एक व्यक्ति जो कि सांसद है और उसे इस तरह से प्रताड़ित किया गया था। दरअसल गोरखपुर में यह सांप्रदायिक हिंसा उस समय हुई थी जब वहां मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस के दौरान एक हिंदू समुदाय का व्यक्ति जिसकी हत्या कर दी गई थी, इसके पीछे भी कई सारी कहानियां हैं। एक राजकुमार नाम का व्यक्ति था जो कि यहाँ पर मुहर्रम के जुलूस में शामिल हो गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता लगा, वैसे ही पुलिस ने उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बंद कर लिया। वैसे तो इस घटना के पीछे कई सारी कहानियां हैं, कई लोगों के मुंह से अलग अलग कहानी सुनेंगे, लेकिन सभी कहानियों में ये जो जिक्र है, जो पुलिस की, राजकुमार नाम के व्यक्ति को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जाता है, ये जिक्र सभी कहानियों में कॉमन है। तो ये जो राजकुमार नाम का व्यक्ति था जिसे पुलिस की गाड़ी में बैठाया जाता है, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि वो पुलिस की गाड़ी से इस व्यक्ति को निकालती है और सरेआम लोगों के बीच में उसे मार देती है। बस इसी घटना के विरोध में योगी आदित्यनाथ जो थे वो आए,
जब योगी आदित्यनाथ को इस घटना के बारे में पता चला तो वे बहुत ज्यादा क्रोधित भी हुए और उन्होंने यहाँ इस घटना के विरोध में धरना देने का ऐलान किया, प्रदर्शन करने का ऐलान किया। और इसी प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे थे जब उनकी गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो उस समय गोरखपुर में मौजूद नहीं थे, वे गोरखपुर आ रहे थे, वे काशी नगरी में मौजूद थे और जब इस घटना के बारे में उन्हें पता लगा तो वे तुरंत गोरखपुर के लिए निकले और उन्होंने वहीं से ऐलान किया था कि इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार के खिलाफ यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तभी उस समय मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी और विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक थे, तो एक पर्टिकुलर समुदाय जैसे कि मुस्लिम समुदाय है उसे ही खुश करने के लिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था इससे मुलायम सरकार जो है वो मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी और इसी कड़ी में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। जैसे ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एंट्री करते हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जहां से गोरखपुर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी वहां से जेल की दूरी महज 5 किलोमीटर की थी, लेकिन ये 5 किलोमीटर का सफर तय करने में पुलिस को 6 से 7 घंटे लगते हैं और उसी 6 से 7 घंटे के दौरान यहां पर जो मुख्यमंत्री अभी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उस समय सांसद हुआ करते थे उन्हें प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू होता है। उन्हें इस कदर अपमानित किया जाता है कि वे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें मानसिक तौर पर काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है ये 6 से 8 घंटों में ही। इसी का जिक्र करते हुए उनका जो क्रोध है वो संसद में आंखों के जरिए उनका क्रोध निकला और संसद में चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो सभी राजनीतिक दलों ने यहाँ पर मुलायम सरकार की घोर निंदा की और इस घटना की निंदा करते हुए योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि एक सांसद के साथ इतनी अभद्रता, इतना दुर्व्यवहार होना काफी ज्यादा निंदनीय घटना है। योगी आदित्यनाथ की वैसे भी छवि जो थी हिंदू वाले नेता की थी, क्योंकि साल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो है युवा वाहिनी नामक यहाँ पर हिंदुओं का गठन एकत्रित किया था और हिंदुवादी नेता की छवि थी, भगवा वस्त्र धारण करते ही हैं योगी आदित्यनाथ। इस वजह से एक जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं ना कहीं चाहता था कि इस घटना के पीछे अगर योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी होती है तो मुलायम सरकार चाहती थी कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए हमें इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा और उनकी जो छवि है वो पर्टिकुलर समुदाय में बहुत ही अच्छी होगी, जिसका उन्हें बेनिफिट जो है वो साल में आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें मिलेगा। लेकिन ऐसा कहां जानती थी मुलायम सरकार और कहां जानते थे वो माफिया कि आगे चलकर यही नेता उनकी नाक में दम करने वाला है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ को प्रताड़ित किया गया था एक समय पहले और आज वही नेता चुन चुन कर यहाँ पर माफियाओं का राज खत्म कर रहा है। क्या घटना के बारे में आप भी पहले से जानते थे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।